हमारे दर्शकों को कि उससे कैसे कई गुना पुण्य मिले और अकाल मृत्यु से भी बचा जा सके। हाँ, अब तीसरा ज्योतिर्लिंग तो भाई उज्जैन्याम महाकाल। काल के दो अर्थ होता है, काल का एक अर्थ है समय और दूसरा अर्थ है मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर दूसर नाम के राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने स्वयं की थी। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग त्रयम नमोस्तुते। ये तीन प्रकार के जो आकाश पाताल और मृत्युलोक में ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, तो आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग सर्वमान्य है। इसीलिए कहते हैं मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त होगा उसे कैसी अकाल मृत्यु, उसे कैसी दुर्घटना का भय। जो महाकाल का भक्त होगा सचमुच में वो मृत्युंजय होगा, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला होगा। और अगर आपको सौभाग्य मिला है उज्जैन जाने का, आपने दर्शन किया है, आप भाग्यशाली हैं। अगर नहीं जा पाए हैं, जा सकते हैं तो जरूर जाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने अल्पायु योग बताया है, अगर आपकी कुंडली में किसी ने ऐसा बताया है कि आपके मार्केश की दशा या मृत्यु भावेश की दशा अमुक समय में चलेगी, तो एक बार महाकालेश्वर के केवल परिधि क्षेत्र में जाने मात्र से वो अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो बिना किसी मंत्र और यंत्र के ही बहुत शक्तिशाली है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में अपार ब्रह्मांडीय शक्ति है। तंत्र साधना के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे उत्तम माना जाता है। महाकाल के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, आवागमन से मुक्ति होती है। अकाल मृत्यु में रक्षक बन सकता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से शनि ग्रह अशुभ प्रभाव देना समाप्त कर देता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें, ओम कालाम्बिका पुत्राय विद्महे श्मशान वासिने धीमहि तन्नो महाकाल प्रचोदयात। और अगर ये शिव गायत्री आप नहीं कर सकते हैं तो आपको यही करना चाहिए कि सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम मोमकारम ममलेश्वरम परल्याम तु वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकर सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये। ये भी मंत्र अगर केवल पढ़ लिया जाए और चित्त को ज्योतिर्लिंग के तरफ केंद्रित किया जाए तो वही फल मिलता है जो दर्शन का फल होता है। लेकिन अगर मनुष्य शरीर मिला है तो एक बार महाकाल का दर्शन जरूर करना चाहिए और परिवार के साथ करना चाहिए। वहाँ की भस्म आरती का भी दर्शन करने से कई कई जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।